ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। हम लोग अलायंस में साथ थे तक किसी को बनाया अपने हाँ, पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है। नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से आ रही है, जहां जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मणिपुर में जदयू के विधायकों को बीजेपी में शामिल कराए जाने पर कहा कि ये कोई संवैधानिक काम नहीं है, देश में नई राजनीति चल रही है, दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ना गलत है, इसलिए 2024 में पूरा विपक्ष मिलकर इन्हें सबक सिखाएगा। बता दें कि आज मणिपुर में जदयू के 6 में से 5 विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसको लेकर बिहार की राजनीति में गहमागहमी शुरू हो चुकी है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में इस समय लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर कहा कि अगर 2024 में विपक्ष एकजुट रहा तो निर्णय बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने बीजेपी को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि 2024 के चुनाव के बाद इन्हें सबक सिखाएंगे। इस दौरान नीतीश कुमार ने सवाल पूछा कि दूसरी पार्टी के चुने हुए लोगों को तोड़ना क्या कोई संवैधानिक काम है? आप सोच लीजिए ये क्या हो रहा है। आप मणिपुर वाले जितने हैं, हमारे पार्टी के जितने चुनाव हुआ और चुनाव के बाद उसके अगले दिन जो रिजल्ट आया, सबके सब 6 लोग यहाँ पर आए, सब लोगों से बात चुके हैं और अभी जो हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग अलग होंगे एनडीए से और बिल्कुल जा रहे हैं, और इसके बारे में अपने पार्टी के सभी राज्यों में बात हो गई थी, वो सब 6 के 6 MP यहाँ पर आए, सॉरी MLA यहाँ पर आए और खुशी प्रकट कर रहे थे 10 तारीख के, एकदम बिल्कुल हम लोग साथ थे, मिलने आए, आप समझ लीजिए। अब लेकिन हो क्या रहा है, जरा सोच लीजिए ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तक किसी को बनाया अपने हाँ, आप तेरा सोच लीजिए कभी नहीं, और बाद में उसको सबको लेकर के अपने पास जाना, ये कौन सा स्वभाव है, किस प्रकार का काम है, इस तरह का कोई चीज पहले से चलता रहा है? एक नए ढंग का सब तरह का इस तरह का काम किया जा रहा है, तो अब उसमें क्या है? अब वो सब तो अभी कुछ ही दिन पहले आया था, अब परसों यहाँ खबर किया है आज के बारे में कि हम लोग आ रहे हैं, अब उसको पकड़ करके सबको अपने पास करना, तो जाने दीजिए जो करता है करता, उसे क्या फर्क पड़ता। और एक बात तो बहुत साबित हो रहा है ना कि ये किस तरह का काम लोग कर रहे हैं, अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है, ये कोई सही काम है, भाजपा करे जिसको ये कोई ये आप समझ रहे हैं ना, जो दूसरे लोगों पर कहते हैं, तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी लोग विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। वहीं आपको बता दें कि विपक्षी नेताओं से मिलने नीतीश कुमार अब दिल्ली जाएंगे। नीतीश कुमार से पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी दलों के नेताओं से मिलने के लिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, जल्दी जाएंगे। बता दें कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज और कल होनी है। इस बैठक को लेकर पूरे पटना में जदयू के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जिसकी जहां मर्जी होती है वह वहां जाता है, इसमें बुराई क्या है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, जब हम गठबंधन में थे तब तो किसी को नहीं लिया, बाद में उन सबको अपने यहाँ कर लिया।
ये कोई कोई ये आप समझ रहे हैं ना, जो दूसरे लोगों पर कहते हैं आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी लोग विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। अब दिल्ली जा रहे हैं, तब इन लोगों को पता चलेगा। आज जो पार्टी का अपने राज्यों में लोग जीतते हैं उसको अपने तरफ कब्जा करवा, यही सोचते हैं, यही काम है। सर अब दिल्ली जा रहे हैं, अपोजिशन के नेता से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाएंगे, बीजेपी अहंकार में है। बता दें कि मणिपुर में जेडीयू को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसको लेकर के जेडीयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर मणिपुर में पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया है। जेडीयू ने आरोप लगाते हुए कहा कि सहयोगियों की पीठ में छुरा घोंपने का भाजपा का चरित्र है। पहले उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में हमारे 7 विधायकों को और अब मणिपुर में 5 विधायकों को तोड़कर अपने में मिला लिया। बता दें कि जेडीयू ने इन राज्यों में अपने दम पर चुनाव जीता था। वहीं जेडीयू ने यह भी कहा कि भाजपा का नया चरित्र है जो नहीं चाहता है कि अन्य छोटी पार्टियां बढ़े। देश के लोग सब कुछ देख रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड 2024 में बीजेपी को खत्म कर देगी। जो मणिपुर में हुआ मणिपुर, आप सोच लीजिए ये क्या हो रहा है। आप मणिपुर वाले जितने हमारे पार्टी के जितने जीते और जिसके चुनाव हुआ और चुनाव के बाद उसके अगले दिन जो रिजल्ट आया, सबके सब 6 लोग यहाँ पर आए, सब लोगों से बात चुके हैं और अभी जो हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग अलग होंगे एनडीए से और बिल्कुल जा रहे हैं, और इसके बारे में अपने पार्टी के सभी राज्यों में बात हो गई थी, वो सब 6 के 6 एमपी यहाँ पर आए, सॉरी एमएलए यहाँ पर आए और खुशी प्रकट कर रहे थे 10 तारीख के, एकदम बिल्कुल हम लोग साथ थे, मिलने आए। आप समझ लीजिए अब, लेकिन हो क्या रहा है जरा सोच लीजिए, ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तब किसी को बनाया अपने यहाँ, आप जरा सोच लीजिए, कभी नहीं, और बाद में उसको सबको लेकर के अपने पास जाना, ये कौन सा स्वभाव है, किस प्रकार का काम है, इस तरह का कोई चीज पहले से चलता रहा है, एक नए ढंग का सब तरह का इस तरह का काम किया जा रहा है, तो अब उसमें क्या है। अब वो सब तो अभी कुछ ही दिन पहले आया था, अब परसों यहाँ खबर किया है आज के बारे में कि हम लोग आ रहे हैं, आ उसको पकड़ करके सबको अपने पास करना, तो जाने दीजिए जो करता है करता, उसे क्या फर्क पड़ता है। और एक बात तो बहुत साबित हो रहा है ना कि ये किस तरह का काम लोग कर रहे हैं, अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है, ये कोई सही काम है, ये कोई कोई आप समझ रहे हैं ना, जो दूसरे लोगों पर कहते हैं आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी लोग विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। अब दिल्ली जा रहे हैं, तब इन लोगों को पता चलेगा। आज जो पार्टी का अपने राज्यों में लोग जीतते हैं उसको अपने तरफ कब्जा करवा, यही सोचते हैं, यही काम है। सर अब दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, अपोजिशन के अपोजिशन के नेता से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाएंगे, क्या लगता है बीजेपी अहंकार में है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।